Hi guys, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing absolutely fine. So, आज है Saturday. Saturday weekend पे मुझे जाना था अपने friend के यहाँ, लेकिन बारिश बहुत तेज़ हो रही है जिसकी वजह से मैं बारिश में भीगना तो नहीं चाहता, इसलिए मैं वहाँ नहीं गया अपने friend से मिलने जो कि रहता है नोएडा में. बट अभी बारिश की वजह से हमने बना लिया चाय, जो कि कुछ चाय की शक्ल कुछ ऐसी है, और साथ में बिस्किट बचे हुए चार, तो चार बिस्किट से काम चलाया जा रहा है. बारिश बहुत तेज़ हो रही है, वरना मुझे छोटे मोटे काम भी थे वो भी करना था. सो अभी हम बात करेंगे ब्लॉगिंग को लेके कि ब्लॉगिंग में आपको क्या दिखाना होता है और क्या नहीं दिखाना होता. बहुत सारे लोग फेक करते हैं, जैसे मुझे एक सिंपल एक्टिविटी है जो कि मुझे चाय पीने वाले की एक्टिविटी है जो कि मैं करने जा रहा हूँ. सो, इस ब्लॉग में वैसे तो बहुत कुछ एक्साइटमेंट नहीं है, बट आप जैसे हो आपको वैसे रहना है, वो सारी चीज़ें दिखानी है छोटी से छोटी जो आप करते हो. यही है ब्लॉगिंग. यू नीड टू बी वेरी जेन्युइन. आप जेन्युइन रहोगे तो लोग आप पे ट्रस्ट करेंगे, और इनिशियली आपको व्यूज थोड़ा बहुत कम आता है, दैट डजंट मैटर. जैसे मेरे सब्सक्राइबर हैं 8,000, जैसे मैं बोलता हूँ हे गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, आई होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन. आज तक किसी ने रिप्लाई नहीं दिया, बट स्टिल आई डू आस्क यू एवरी डे, क्योंकि टाइम टू टाइम क्या होता है, जब इंगेजमेंट अच्छी आएगी तो आप एक दिन रिप्लाई करोगे, ऑफकोर्स हाउ आर यू, तो मैं कहूँगा आई एम रियली गुड, थैंक यू फॉर आस्किंग. मेरी लाइन तैयार है, बट बोलने का मौका आपने नहीं दिया. अगर आप चाहते हो कि मैं वो मौका मुझे मिले, सो डू आस्क मी इन कमेंट, अफरोज हाउ आर यू, राइट. सो गाइज, ये है छोटा सा ब्लॉग और छोटी सी कोशिश अपने डे टू डे एक्टिविटी को कैद करने की, रिकॉर्ड करने की, जो कि मैं अभी कर रहा हूँ. अपार्ट फ्रॉम इट, अगर आप बात करें ब्लॉगिंग को लेके, सो, अभी मेरे पास जो है वो मेरा क्लोथिंग वाला बिजनेस है जिसको मैं कर रहा हूँ फिलहाल, जॉब मैं कर नहीं रहा फिलहाल. तो अभी ब्लॉगिंग होगी हर रोज़ एक वीडियो आनी है, जिसको अच्छी तरह से कैसे कंटेंट को प्रेजेंट करना है ये मैं सीख रहा हूँ, जैसे फोटोशॉप, प्रीमियर प्रो, एडिटिंग, जिसमें क्या होता है आपकी जो फुटेज है, जो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंगेजमेंट वाली बन जाती है. सो, इसके चार पार्ट हैं एडिटिंग के. फर्स्ट आपको क्या करना है, म्यूज़िक बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आप एडिटिंग सीख रहे हो तो सबसे पहले बीट डिटेक्शन आप सीखो, जैसे बीट पे आपका जो विजुअल है वो कैसे चेंज होगा, ये आपके ब्लॉग में जान डाल देने वाली चीज़ है. पार्ट फ्रॉम इट, इसके जो सेकंड पार्ट है वो है कलर ग्रेडिंग. वैसे बहुत बहुत प्रोफेशनल चीज़ है. आप थोड़ा बहुत लाइट, ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट को अप एंड डाउन करके एडजस्टमेंट सीख लो, तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी आपके ब्लॉग को बहुत क्रिएटिव बनाने में. तीसरी चीज़ है जो कि है आपको ट्रांजिशन जो है वो आपकी वीडियो में एक विजुअल से दूसरे विजुअल पर आप जाते हो तो उसका एक सेंस होना चाहिए, और जो विजुअल है वो एक दूसरे में मर्ज होना चाहिए. सो, इसके लिए आपको सीखना पड़ेगा ट्रांजिशन, जैसे कौन से फुटेज पे आपको कौन सा ट्रांजिशन लगाना चाहिए कि सो दैट वो आपको जो फुटेज है वो बहुत क्रिएटिव दिखे और इंगेजमेंट अच्छी आए. चौथी चीज़ है साउंड इफेक्ट. लेट्स से मैं चाय पी रहा हूँ, जैसे मैंने चाय लिया, चाय को मैंने कैटल से कप में निकाला, तो जो आवाज़ आएगी वो कैमरा तो रिकॉर्ड कर नहीं पाएगा. सो, इसके लिए आपको एक्स्ट्रा आवाज़ डालनी पड़ेगी जिसको हम कहते हैं साउंड इफेक्ट. मैंने किसी को थप्पड़ मारा तो जो आवाज़ है आपने मूवी में देखा होगा, जब लड़ाई होती है तो काफ़ी ढिशुम वाली आवाज़ आती है, तो वो सारे साउंड इफेक्ट होते हैं, क्योंकि कैमरा है वो कैच नहीं कर पाता जो रियल टाइम में जो एक्शन हो रहा है उसकी वॉइस को, उसके इफेक्ट को, उसके साउंड को. तो आपके ब्लॉग को अगर बहुत क्रिएटिव बनाना है तो आपको ऐड करना होगा साउंड इफेक्ट. तो चार चीज़ें हैं इन शॉर्ट आपको काम करना है. पहला है ट्रांजिशन, दूसरा है म्यूज़िक, तीसरा है साउंड इफेक्ट, और चौथा है कलर ग्रेडिंग. कलर ग्रेडिंग में आप कंट्रास्ट हो गया और ब्राइटनेस कैसे एडजस्ट करते हैं, प्लस जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो आपका थंबनेल है. थंबनेल के लिए आप सीखो फोटोशॉप, आपको कैसे बैकग्राउंड चेंज करना है, आपको टेक्स्ट को कैसे ज़्यादा विजिबल बनाना है. तो ये है ब्लॉगिंग का एक छोटा सा इनपुट जो कि मैंने इतने साल में सीखा है. 8,000 सब्सक्राइबर तक मैंने रीच किया है, उसमें आप सबका बहुत 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 बड़ा हाथ है. आपने मेरे को सब्सक्राइब किया, वो प्यार दिया, और आई होप कि बाई दिसंबर ये जो फिगर होगा, जो सब्सक्राइबर बेस होगा, वुड बी मोर देन 10,000. उसके बाद हम करेंगे पार्टी, साथ में करेंगे गिव अवे जो कि आपके लिए होगा. सो, उसके लिए वेट करें, और उससे पहले मुझे सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें, और सजेस्ट जरूर करें कि आपको वीडियो में क्या क्या कमी नज़र आई है. और पीछे में मेरा शीशा, आप मेरा ब्लॉगिंग सेटअप भी देख सकते हो कि मैं कैसे ब्लॉग करता हूँ. सो, मेरे पास है एक माइक जो कि बोया का है, मेरा सेलफोन और एक डिजिटेक का हैंड ट्राइपॉड. सो, ये बहुत ही सस्ता जुगाड़ है और काफ़ी अच्छी क्वालिटी आती है इससे. सो, आई वुड सजेस्ट कि अगर आपको शुरू करना है, आपके पास कोई DSLR नहीं है, तो देरी नहीं करें. यू कैन स्टार्ट विद दिस फोन एंड दिस माइक प्लस ये 600 रुपये का ट्राइपॉड. तो इसकी टोटल कॉस्टिंग आएगी 1100 प्लस 600, 1700. 1700 आप
डाल के आप ब्लॉगिंग स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि सेलफोन तो आपके पास है ही। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि सेलफोन के प्राइस भी तो बताओ या ऐड करके बताओ। तो 1700 इज द अमाउंट जिसके साथ आप अपना ब्लॉगिंग करियर शुरू कर सकते हैं, क्योंकि सेलफोन तो आपके पास होगा ही। सो गाइज, ये थी वीडियो या ब्लॉग मेरा इनपुट ऑन आपको ब्लॉगिंग कैसे करनी चाहिए और क्या क्या चीज़ें हैं जो बेसिक जो आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। प्लस थोड़ा सा मैं आपको अपना सेटअप भी दिखा देता हूँ। जैसे मेरा क्लोथिंग का काम है, तो एल्विजरॉन मेरा ब्रांड है, और ये कुछ शर्ट्स हैं। तो मैंने इसको फैशन जैसे ब्लॉगिंग मैं शुरू करूँगा उसके लिए मैं ऑलरेडी सेटअप बना रखा है। सामने है एक मिरर, प्लस एक लाइट, एक रिंग लाइट है, कुछ थोड़ा बहुत लाइट्स हैं। ये लाइट बहुत सस्ती है, ये लाया था मैं जमा मस्जिद से, समवेयर अराउंड 400 रुपीज़ की लाइट है, और ये काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगती है वीडियो में भी, और अगर वैसे आप लाइव देखो तो और भी ज़्यादा सुंदर है। प्लस आपको दिखता है यहाँ पे मेरा एक फ़ोटो फ्रेम जो कि काफ़ी क्रिएटिव है, काफ़ी अच्छा है। सो गाइस, यही है, थोड़ा सा अपने स्टूडियो को थोड़ा सा कस्टमाइज़ करें, थोड़ा सा लुक एंड फील डालें, तो आपको ब्लॉग करने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। सो गाइस, ये है वी लॉग, आपको ब्लॉगिंग कब कैसे और कहाँ शुरू करनी है। मिलते हैं नेक्स्ट वी लॉग में, टिल देन बाय एंड टेक केयर।